इंसान समस्याएं, कहानियां वही गिनाता है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। एक अच्छा बच्चा सड़क पे भी उठ के सुबह क्या करता है? बिकॉज हर चीज़ एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और किसी भी चीज़ में आप कमज़ोर हो गए तो वो चीज़ आपके परफॉर्मेंस को क्या कर देगी वहाँ। दैट मीन यू नीड टू बी रॉक स्टार। एज यू गिव द बेस्ट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, तो एक्चुअली यू नीड टू गिव द बेस्ट फॉर द सेकेंड फेज। और दो लक्ष्य हैं आपके बेटा, आप बिल्कुल GDSRTs पे फोकस तो कर ही रहे हैं, बट पहले भी आपको रिटर्न भी मेंटेन करके चलना है। तो हमारा ये कहना है कि तैयारी जारी रहेगी, सर प्रयास जारी रहेगा जब तक सफलता ना मिले, और हारना भी नहीं चाहिए। इंसान को पॉजिटिवली लगे भी रहना चाहिए तब तक जब तक फाइनल लक्ष्य अपने हाथ में ना आ जाए। और फाइनली हमारा जो सिलेक्शन रेट रहा है अभी तक GDSRT में, बहुत बेहतरीन रहा है, ऑलवेज एबव 90 गया है। तो द रियल जर्नी ऑफ एयरमैन कैडेट इज ऑल अबाउट, मैं यही कहता हूँ कि ये रोज का सेल्फ लर्निंग है इंडिया में, और इकलौती किताब है इस समय इंडिया में, आप समझ लीजिए कि जो डेडिकेटली इसके लिए क्या की गई है, बनाई गई, और बच्चे जिसकी मदद से अपने परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं भैया, अच्छा कर सकते हैं। यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ बेस्ट फ्रॉम द ऑल प्रॉस्पेक्ट। आपको हर प्रॉस्पेक्ट से अपने आप को बच्चा क्या प्रूव करना है, बेस्ट प्रूव करना। चलिए, तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट कि अब लगातार जब सेशंस आपके इधर स्टार्ट होंगे, बट कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो हमारा पूरा ट्रैक है ग्राउंड का, चारों ओर का, ये कितने मीटर का है पता है? एक ग्राउंड इसका, अच्छा ये 800 मीटर हो गया ग्राउंड, 350 है, कितना है? 400 मीटर को मजाक समझ रखे हो तुम लोग, हाँ नहीं तो पता चला इसका चार राउंड लगा के मज़े में आ गए, हम तो कर ले गए सर, हाँ और पता चला 5 ही मिनट में हो गया सर, कितने में हो गया? ऐसा नहीं है बेटा, तो कम से कम इसका आपको 5 राउंड लगाना है, कितना लगाना है? और 5 राउंड आपका जो होना चाहिए वो 6 मिनट के अंदर क्या हो जाना चाहिए, डन। इससे अच्छा प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद जैसे ही परमिशन मिलेगी विल टेक यू डायरेक्टली टू स्टेडियम, तो वहाँ तो एक एक इंच एक एक मिनट कैलकुलेटेड है सारा का सारा। बट ये भी कोई ट्रैक बुरा नहीं है, दौड़ने के लिए, एक टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है। बाकी कुछ बच्चे ये कहते हैं कि दौड़ के लिए मुझे ये मुझे वो, देखो बेटा एक बात समझ लेना कि इंसान समस्याएं, कहानियां वही गिनाता है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। एक अच्छा बच्चा सड़क पे भी उठ के सुबह क्या करता है? यार मैं दौड़ता हूँ, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी स्टाइल है, अपना अपना चीज़ है, और ये कोई दिखावे की चीज़ हो, बताने की चीज़ तो नहीं कि हम बहुत बड़े रेसर हैं, हाँ ये तो अपनी स्टैमिना बिल्डिंग है, अपना टास्क है जो डेली उठ के हमें क्या करना है बच्चा, करना है अपने आप से, ठीक है भैया। और फाइनली वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग फॉर द पीपल, फिर हमने कुछ करना स्टार्ट किया, एक नया सिनेरियो, नई सोच, नई मेहनत। तो गेटिंग गुड पीपल एंड कॉन्फिडेंट पीपल फॉर एनीथिंग, इट्स अ रियली बिग थिंग ऑलवेज। आपके दिव्यांशु सर का बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है SRT पार्ट को लेकर के, किसको लेकर के? अलग लेवल का परफेक्शंस है। बहुत जल्द एक स्पेशल मैम आ रही हैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अटैच होंगे। बीच में ठाकुर सर का एक सेशन मैं लगाऊंगा, इसके बाद कैप्टन सर आपके साथ एसोसिएट होंगे। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा शुरुआत हुई, हम लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे थे, हमने कहा अभी पढ़ लेने दो। तो 1 by 1 सबके सेशन हम आपके ऑर्गेनाइज करेंगे, बट अल्टीमेट विंग कमांडर ठाकुर सर आएंगे, उनसे भी सीखने को क्या मिलेगा कि आखिर इस पूरे टेस्ट का वहाँ पे महत्व क्या है, इस टेस्ट को क्या क्यों कंडक्ट किया जा रहा है। और एज अ एयरफोर्स ऑफिसर, चाहे वो विंग कमांडर रैंक का हो, फ्लाइंग रैंक का हो, स्क्वाड्रन लीडर हो, आखिर उसके क्या प्रॉस्पेक्ट होते हैं, वो आपके अंदर क्या देखना चाहते हैं वहाँ पे, उन पैरामीटर्स को ब्रीफ करेंगे। कैप्टन सर विल कम टू ब्रीफ यू अबाउट द GD टेक्निक्स, कि व्हाट इज़ द बेसिक एक्सपेक्टेशन यू हैव इन GD, कैसे पर्सनैलिटी ट्रेन करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए मैं किसी को आता तो मैं बोलता हूँ 14 दिन का टाइम नहीं है, जब डेट आएगा तब इधर से जाना है, अनटिल द टाइम यू नीड टू बी दस, बिकॉज हर चीज़ एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और किसी भी चीज़ में आप कमज़ोर हो गए तो वो चीज़ आपके परफॉर्मेंस को क्या कर देगी वहाँ। दैट मीन यू नीड टू बी रॉक स्टार। एज यू गिव द बेस्ट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, तो एक्चुअली यू नीड टू गिव द बेस्ट फॉर द सेकेंड फेज। फिर पवन सर तो आपको संडे मुलाकात करना भी स्टार्ट कर ही देंगे, वो अपने हिसाब से सारा टेक्निक बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, कुछ रुकेगा नहीं। हम ऐसे इंसान हैं कि हर विषम परिस्थिति में भी ऑप्शंस क्या कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई देखो ऐसा है, फिजिकल संडे को होता था वो होएगा, हाँ अंतर इतना हो सकता है कि स्टेडियम में ना हो के क्या होगा, लेकिन होएगा, हाँ। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि अभी तो बहुत लोगों से मिलना है और मुलाकात होनी है, अभी थोड़ा इस बीच हम लोगों ने लिबर्टीज़ दे रखी थी कि चलो 30 तारीख तक होने दो, जैसा चल रहा है 1 तारीख से हम लोग फुल फॉर्म में आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल बेटा जब तक डेट ना आ जाए, क्योंकि रिजल्ट 15 अगस्त के आस पास आने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा डिले है, और क्योंकि कई रीजंस आ रहे हैं, इनरोलमेंट लिस्ट भी बार बार लेट करते जा रहे हैं ये लोग। अब आप पूछो इनरोलमेंट लिस्ट काहे लेट हो रही है,
इसलिए लेट हो रही बेटा क्योंकि अभी तक वहाँ का पासिंग आउट परेड नहीं हुआ। भाई इतने बच्चों को बुलाना है तो पहले जगह वहाँ क्या करनी पड़ती है, खाली होगी तभी तो ये जाएंगे। अब जबरदस्ती थोड़ी ना डबल सीट थोड़ी बना देंगे, एकेडमी तो फिक्स है, जगह फिक्स है, सिस्टम फिक्स है। तो उनका पीओपी थोड़ा टला है, 15 अगस्त के बाद है, तो जैसे उनका पीओपी होगा इसलिए थोड़ा इनरोलमेंट को बढ़ाए जा रहे हैं जिससे किसी तरह का दबाव इनके ऊपर ना आए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट। तो कहने का मतलब यही है बच्चा कि अगला एक महीने तो कम से कम अभी तुमको टाइम ईमानदारी से मिलने वाला है, मतलब 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक। और दो लक्ष्य हैं आपके बेटा, आप बिल्कुल GDSRTs पे फोकस तो कर ही रहे हैं, बट पहले भी आपको रिटर्न भी मेंटेन करके चलना है, क्योंकि हो सकता है कि अगस्त के सेकंड या थर्ड वीक तक फॉर्म भी क्या कर ले जाएँ, एक बार घोषित कर ले जाएँ लोग, ठीक है ना। जैसे रिजल्ट आएगा वैसे फॉर्म घोषणा की तैयारी क्या हो जाएगी, क्योंकि इनको नवंबर तक किसी भी कीमत में एग्ज़ाम क्या कर देना है भैया, कंडक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, ऐसा कुछ मतलब गड़बड़ नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि तैयारी जारी रहेगी, सर प्रयास जारी रहेगा जब तक सफलता ना मिले, और हारना भी नहीं चाहिए, इंसान को पॉजिटिवली लगे भी रहना चाहिए तब तक जब तक फाइनल लक्ष्य अपने हाथ में ना आ जाए, ठीक है बच्चा। तो चलिए बिल्कुल बहुत सारे स्टेप हैं, और जब आप GD सेशन में हम लोगों के आते हैं एंड यू सिट दैट, तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पैरामीटर, वो ऑरा, वो माहौल हम बनाते हैं जिस माहौल की एक्सपेक्टेशन वहाँ पर होती है, बिकॉज जब तक वो माहौल नहीं बनेगा तब तक मज़ा नहीं आता है। अब उसमें हम दो चीज़ देखते हैं, उस प्रेशर में SRT भी उसी प्रेशर से आपका होएगा। इवन संडे को हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे आपका उस तरह का, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि नया नया पहली बार आ गया सर, बट वो आपको मौका हम देंगे स्पेशल प्रेशर वाला। फिजिकल का भी वही क्राइटेरिया होगा कि जैसे स्टेडियम एंट्री हमें मिलेगी तो फिर डिट्टो, फिर कोई अंतर नहीं करते, सेम प्लानिंग, सेम टाइम स्लॉट, घड़ी वॉच, पोजीशंस पे लोग अलर्ट, फटाफट आपका रेस डन किया, रेस के जस्ट बाद आपका पुशअप, स्क्वाट्स और सेटअप्स भी क्या किया। तो विल क्रिएट ऑल ऑरा फॉर यू बेटा, और हम आपके लिए वो सब एक्चुअल ऑरा क्रिएट करके देंगे, और हम करते आए हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। एंड ऑब्वियसली वी ऑलवेज गॉट गुड कैंडिडेट्स फ्रॉम द इंडिया, पूरे भारत से अच्छे बच्चे आए, बहुत मेहनत किए उन्होंने हमारे साथ, महीने भर मेहनत किया बच्चों ने, 1.5 महीने मेहनत किया, और फाइनली हमारा जो सिलेक्शन रेट रहा है अभी तक GDSRT में वो बहुत बेहतरीन रहा है, ऑलवेज एबव 90 गया है। क्या गया बच्चा? अब इसमें ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई रॉकेट साइंस कर दिया, बच्चे भी बेहतर थे क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सीखा, अपनी कमियों को सुधारा, खुद को बेहतर बनाया, और फाइनली उन्होंने सफलता क्या कर ली बच्चा, सुनिश्चित। देखो लाइफ में एक बात हमेशा समझो बेटा, वन यू टॉक अबाउट द सक्सेस देन फिर करो या मरो वाला हॉल होता है, और ये आपसे अच्छा आपका रिजल्ट कोई नहीं जानता, कोई और जानता है क्या? किसी से एक्सपेक्ट भी मत करो, आपसे अच्छा आपका रिजल्ट कोई नहीं जानता है। ड्यूरिंग GD आप ग्रुप में बैठे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे अंदर घुस के कोई बोलेगा क्या? अल्टीमेट बोलना तुम्हें ही है, सामने वाला गाइड कर सकता है, दिशा दे सकता है बेटा, अल्टीमेट एफर्ट्स किसके हैं भैया? आपके हैं। कोई ये सोचो कि इंडिविजुअल बैठ के तुमको सुनेगा देखेगा, सब गलत बात है, ये सब फालतू वाले बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। सामने वाले से आप एक गाइडेंस केवल ले सकते हो बेटा, अपने मेहनत, अपने फोकस के दम पे आप खुद को क्या बनाएंगे भैया? बेहतर बनाएंगे। तो द रियल जर्नी ऑफ एयरमैन कैडेट इज़ ऑल अबाउट, मैं यही कहता हूँ कि ये रोज का सेल्फ लर्निंग है कि हमें क्या क्या कमियाँ हैं और हमें अब क्या बेहतर करने की आवश्यकता है। इस दौरान सोचो चैलेंज तो हैं ही, अब आपको फिजिकली भी सही रहना है, आपको सेकेंड फेज के हिसाब से SRT और GD भी प्रैक्टिस करके चलना है, रिटर्न को भी उतने अच्छे से हमें पिकअप करके चलना, आपको छोड़ सकते हो क्या? तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर योर लाइफ बेटा, कि अब आप उस हिसाब से सोच के काम करिए। हम तो सब बच्चों को इनवाइट करते रहते हैं कि अगर आप बहुत गरीब हैं, कोई दिक्कत है तो आप आ जाइए डाउट काउंटर्स पे, आप आइए, जो आपकी समस्या आप पूछिए, आपको टीचर बताएं। क्या टीचर यहाँ पूछते हैं क्या यहाँ के छात्र हो कि नहीं हो? वो तो बैठे ही हैं बताने, और एक दो लोग नहीं बैठते हैं, 20-20 लोग बैठ जाते हैं। क्या बैठ जाते हैं? उनका सुबह शाम तक काम ही एक है कि जो भी बच्चा आए, जो उसका दिक्कत है उसका सलूशन क्या कर दिया जाए बच्चा, ठीक भैया। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आप उस पर भी काम करते रहिए, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस किसी चीज़ का नहीं मांगने आएगा, ठीक है ना। दैट इज़ ऑल अबाउट, जो भी है सब सिस्टम के हिसाब से। GDSRT की नई वाली किताब मिल गई, लगा डाला पूरा हाँ, कि टिके हुए कोई कराएगा तभी करेंगे सर, वो आपका अधिकार क्षेत्र है। ये लोग तो रोज़ नया देंगे लाके, क्या देंगे आपको? वो तो कलेक्शन दिया जाता है कि आप लोग उससे क्या कर लीजिए, अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके अंदर जो OIR हैं उनको आप कर लीजिए बकायदे। इस बार स्पेशली देख रेख में किताब बनाया हूँ मैं, और जितना बेहतर कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अगर आप लास्ट किताब से इसको देखने का कोशिश करेंगे तो आपको ज़मीन और आसमान का अंतर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? इस बार मैंने SRT को हिंदी अंग्रेजी दोनों में कर दिया। क्या कर दिया? लास्ट में जो है हिंदी में। बहुत बच्चे थे जो GD का ब्रीफिंग जो होता है वो अंग्रेजी में हुआ करता था तो लोग नहीं समझ पाते थे, तो मैंने उस चीज़ को भी हिंदी में कर दिया अब। लेकिन GD के टॉपिक हिंदी में नहीं कर सकते क्योंकि अंग्रेजी में बोलना है। क्या बोलना है? तो उसका जुगाड़ नहीं, इसलिए उसको रखा।
तो इस बीच हम लोगों ने उसके लिए भी काम किया कि हाँ एक बेहतर मटेरियल, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हमने उसके अंदर दिया है इंडिया में, और इकलौती किताब है इस समय इंडिया में आप समझ लीजिए कि जो डेडिकेटली इसके लिए क्या की गई है, बनाई गई, और बच्चे जिसकी मदद से अपने परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं भैया, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो बस जर्नी शुरू हो चुकी। मेजर कलसी का आई कार्ड है? आई कार्ड दिखाने पर प्रवेश नहीं मिल रहा है? आई कार्ड दिखाया कभी? तभी तो नहीं मिला। अब जाना है बजाज वाले गेट से तो बता दीजिएगा, सर हम लोग स्टेडियम में इनरोल्ड हैं मेजर कलसी क्लासेस से, कहाँ से, तब आपको परमिशन दे देगा, ठीक है ना। तो आई कार्ड एक हथियार है, क्या है भाई, टी शर्ट भी पहनने के लिए डर के मारे नहीं बोलता हूँ मैं ज़्यादा। अभी आपको पता होना चाहिए टी शर्ट बांट ही नहीं रही थी कंपनी, अब इसलिए नहीं कि हम अपना बचा रहे, तो उसमें तो प्रचार ही होता है ना, कंपनी का नुकसान थोड़ी है कुछ। अब इसलिए नहीं बांट पा रही थी कि बाहर फिर से भीड़ निकलेगी तो थोड़ा सा क्या आएगी बच्चा। फिर हम लोगों ने अंत में सोच लिया कि अब जो होना है वो हो, कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं ना। आज अगर बच्चों को GDSRT हम टाइम से नहीं स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए 15 अगस्त लोग डका दिए आते आते, भाई रिजल्ट निकला दो, चार दिन आने जाने में, गिन के मिला 10 दिन 12 दिन, जो क्या चमत्कार हो जाएगा, आप पे जो फैक्टर कमज़ोर है वही रहेंगे, हम तो दो बार खुद ही नहीं मिल पाएंगे। जब उसमें फास्ट प्रोसेस चलता है तो समस्या आती है, इसलिए हम लोग पूरे बच्चों को यही इन्वाइट करते भैया। तो आई रिक्वेस्टेड द होल कंट्री, मैं लगातार वीडियोज़ बनाए उसमें बोला सबको कि आप लोग तेजी के साथ आना क्या करिए बच्चा, स्टार्ट करिए, सो वी कैन स्टार्ट द प्रोसीजर, हम चीज़ों को स्टार्ट कर पाए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट। अब जल्दी हम लोगों के पास प्लान आप लोगों का आने वाला है, और झमाझम हम लोग एक्टिविटीज़ आपके स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में सेशन लगेगा जिसमें आप लोगों को सबसे पहले यहाँ SRT टेस्ट होगा, उसका एक रिपोर्ट हमारे पास आएगा, और उस SRT टेस्ट को जो क्वालिफाई करेंगे उस दिन GD में केवल उतने ही लोग को मौका मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। वो एकदम रियल टेस्ट होता है, क्या होता है, हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते अपनी तरफ से, ठीक है बेटा। और अच्छा शुक्र मनाओ उसमें PFT नहीं ऐड किए हैं, क्या नहीं ऐड किए हैं, हाँ दो ही स्टेप यहाँ तक रख रहे हैं, नहीं तो पता चला जो PFT क्वालिफाई करेगा वही अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आएगा, और जो अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 करेगा वही अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में आएगा। अब ये नहीं कि एक ही बार वो होगा, हर हफ्ते होता है, क्या होता है, तो 4 महीने भर में कितनी बार मौका मिलता है। अब पहली बार में पहुँच पाए कि नहीं, दूसरी बार में पहुँच पाए कि नहीं, तीसरी बार में पहुँच पाए कि नहीं, मतलब ऐसा क्रम बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो विल डू इट, हम उसको जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वो स्टार्ट करना तो अलग चीज़ है बेटा, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अभी आप खुद पर अच्छे से काम करिए। एंड लुक वन थिंग वेरी क्लियर बेटा, वी टॉक अबाउट द इंडियन एयरफोर्स, देन कम्युनिकेशन को लेके कोई ऑप्शन नहीं है, यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव ऑप्शन, बिकॉज दिस कॉम्पिटिशन नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट एंड पर्टिकुलर एरिया, दिस बिलोंग टू होल कंट्री, एंड ऑब्वियसली पीपल आर कमिंग फ्रॉम द एवरी पार्ट ऑफ अ कंट्री, तो लाजमी सी बात है कि द रेस्ट पीपल कमिंग फ्रॉम द कॉन्वेंट बैकग्राउंड। आज स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन का बढ़ गया है, अर्लियर कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर द एयरमैन एंट्री, अभी तो लगता है पूरा देश ही अप्लाई कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूलिंग का हो या शुद्ध जो है स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, दोनों दम खम लगाए हुए हैं पूरा। उनकी बात छोड़ दो, सारे के सारे बीटेक एस्पिरेंट, कौन कौन सा बीटेक, 1 ईयर, यहाँ भी कुछ बैठे होंगे 2nd ईयर 3rd ईयर तक के आ जा रहे हैं, क्योंकि एज के हिसाब से मौका मिल जा रहा है लोगों को, समझ रहे हो भैया। तो दिस इज़ द कंडीशन, तो जस्ट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ स्मार्टनेस एंड अल्टीमेट दे नीड टू प्रूव इट। हाँ थोड़ा सा फिजिकल में बेचारे फ्लॉप हो जाते हैं, तो कहते हैं ना किसी के साथ कुछ प्लस है तो किसी के साथ कुछ माइनस है, इसीलिए सब बैलेंस बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बट आपको प्लस माइनस नहीं करना है, दैट्स वाई यू हियर, यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ बेस्ट फ्रॉम द ऑल प्रॉस्पेक्ट, आपको हर प्रॉस्पेक्ट से अपने आप को बच्चा क्या प्रूव करना है, बेस्ट प्रूव करना है, ठीक है भैया। बाकी बहुत सारा गाइडेंस अभी नहीं, अभी थोड़ा सा चलने दो सिस्टम, 1 तारीख से हम लोग फुल फ्लैश एक्शंस में आ जाएंगे, बीच बीच में आप लोगों को ठाकुर सर क्लास में आएंगे, बीच में कैप्टन सर क्लास में आएंगे, मतलब यू गेट चांस टू मीट विद द लॉट ऑफ ऑफिसर्स, एंड ऑब्वियसली ऑफिसर्स हैव जस्ट वन पर्पज, बिकॉज वंस दे कम टू दे विल टेल यू द रियल एक्सपेक्टेशन, वट एग्जैक्टली एयरफोर्स हैव टूवर्ड यू, एयरफोर्स को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है और किस दृष्टिकोण से वो आपके अंदर चेक करते हैं, उन पहलुओं को लेके बात करेंगे, ठीक है ना। और अच्छी बात होगी सबसे मिल के आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो आप में भी एक कॉन्फिडेंस उस चीज़ को लेके अच्छा आएगा। तो चलिए वन बाय वन थोड़ा सा मुलाकात भी आप सबसे कर ही लेते हैं, चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं, बैठे रहिए, खड़े मत होइएगा। व्हाट्स योर नेम? राहुल। फ्रॉम वेयर बच्चे? फ्रॉम प्रयागराज। फ्रॉम प्रयागराज। अभी हाल फिलहाल में आई पुट अ वीडियो फॉर द इंट्रोडक्शन, आप लोगों ने देखा वो वीडियो? यस सर। थोड़ा कम शब्दों में मैंने समझाया है, और ऐसा इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश की है जो 25 से 30 सेकंड में क्या हो जाए, उसमें कुछ बेसिक बातें बताई हैं, उनको भी समझा आप लोगों ने, जैसे बिलोंग प्लेस को लेके मैंने बताया है,
अपना शहर बताना है, जिला या स्टेट बताना है, तो उसका एट और इन के इस्तेमाल को भी बढ़िया समझाया है। फिर आपका आई माई सेल्फ का जो इस्तेमाल होता है, तो उसमें मैंने यही कोशिश की कि आप आई और माई इस्तेमाल करिए, वो ज़्यादा आपके लिए आई और माई नहीं, आई और माई। यू नीड टू डू द राइट प्रोनाउंसिएशन। एंड सेकेंड, प्रोनाउंसिएशन का बेसिक सीखना है बेटा, तो कभी आप भैया जो है वो जो केजी वाली बुक नहीं होती है जिसमें अल्फ़ाबेट लिखा रहता है, उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखा रहता है, तो कभी वहाँ देखना आई लिखा रहता है, माई लिखा रहता है, आई और माई नहीं लिखा रहता है, ठीक है ना। नहीं सर माई नेम इज, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, सर माई नेम इज, सर आई एम, ठीक है ना। फिर उसमें मैंने आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को भी लेके बताया हुआ है कि क्या आप अपने स्ट्रेंथ में क्या करें, ऐड करें। सिबलिंग्स को लेके मैंने बताने की कोशिश थोड़ा की है, कभी कभी क्या होता है माताजी का पिताजी का नाम ये सब नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि व्हाट्स योर फादर डू, रीज़न बिकॉज वो आपकी साइकोलॉजी को निर्धारित करता है बेटा, कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस अपब्रिंगिंग से आते हैं, या जैसे आपके गार्जियनशिप होती है, आपकी पर्सनालिटी का चेंज, आपके पर्सनालिटी में निखार, डेवलपमेंट उसी के आधार पे डिसाइड होता है। तो समटाइम थ्रू द साइकोलॉजी टेस्ट वी आर ट्राइंग टू एनालाइज योर पर्सनालिटी कि लाइक ये जो बोल रहा है वो है कि दूसरा है। द बेसिक प्रॉब्लम, अभी तो आप लोग बेटा नॉन कमीशन के लिए जा रहे हो, वंस वी विजिट फॉर द कमीशन एंट्री, मतलब अधिकारी रैंक के लिए जब जाते हैं, तो देर इज़ अ PIQ फॉर्म, दैट्स कॉल्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनायर। सेकंड भाषा में भैया उसको कहा जाता है जन्म कुंडली। क्या बोलते हैं? PIQ फॉर्म इज एवरीथिंग। समटाइम व्हाट हैपन कि PIQ है बच्चे का कि वो गांव से पला बड़ा, ये बेसिक आए उसके परिवार के थी, ऐसा उसका ओवरऑल सराउंडिंग रहा या ऐसी अपब्रिंगिंग रही, बट उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं क्या होता है, वो फिल्मी दुनिया में जी रहा होता है। आ रहा होगा गाँव से, तो जब उसको मैच ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया तो सीधा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज किया उसने, जबकि असल में उसका ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं है। वो अपने आप को रियल ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है रियल से, और उसको लगता है कि जो मैं रियल हूँ मैं कुछ नहीं हूँ। तो इसी तरह यहाँ भी होता है कि वहाँ केवल आपको सिंपल जो है पिताजी का प्रोफेशन क्या है, व्हाट दे डू। मदर के लिए मैंने होम मेकर इस्तेमाल किया वर्ड, बिकॉज हाउस वाइफ इज़ वेरी जेन्युइन थिंग, एंड एज अ प्रोफेशन आपने एक मूवी भी देखा होगा ना कि का, तो लाजमी सी बात है वहाँ अर्जुन कपूर घर पे काम करता और करीना कपूर क्या करती हैं, तो अब लाजमी सी बात है उनको हाउसवाइफ तो अर्जुन कपूर को नहीं कहा जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे आप, होम मेकर। इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड टू यूज़ दैट, ठीक है ना। सिबलिंग्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग अक्सर, तो टेक केयर अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर, तो आई हैव तुमको छोड़ के होगा हमेशा, वन ब्रदर वन सिस्टर, आई हैव वन सिस्टर, ये भी केस हो सकता है। तो ये कॉमन सेंस का थोड़ा ध्यान रखना, और हड़बड़ाइए मत, इसको महसूस करिए, फील करिए कि आप ही के विषय में है ये, और इसको रटिए मत, हमको भी मत रटिए कि नहीं सौरभ सर बता रहे रट लो, हम उसमें समझाने का कोशिश किए हैं कि आप उसको आसान भाषा में महसूस कर लें, समझ लें, दैट्स इट, सारा काम हो जाएगा। तो डोंट ट्राई टू मेक अ रट्टाफिकेशन फॉर एनीथिंग बेटा, ट्राई टू बी नेचुरल एंड प्रैक्टिकल टूवर्ड एवरीथिंग, बिकॉज वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग, जानते हो बेटा GD से पहले आपको उस एक मिनट के दौरान इंट्रोडक्शन और नरेशन करने का क्यों मौका दिया जाता है? मे बी ड्यूरिंग GD देर विल बी अ फ्रेश मार्केट क्रिएटेड, एंड इवन यू आर गुड कैंडिडेट, हाउ आर असेसर विल एनालाइज कि यू आर गुड अ नॉट, दैट्स वाई इज गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टिंग वन मिनट टू नरेट वट एवर सिचुएशन यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, एंड योर इंट्रोडक्शन एंड योर नरेशन विल डिफाइन एवरीथिंग। आपका नरेशन और आपका इंट्रोडक्शन आपके पूरे पर्सनालिटी को समझा देता है, आपके कॉमन सेंस को समझा देता है, आपको समझा देता है कि इस टॉपिक के विषय में आपको जानते भी हैं कि नहीं जानते। देर इज टू टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, केवल अंग्रेजी बोलना लक्ष्य नहीं है और केवल बोलना लक्ष्य नहीं है, सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आप क्या बोल रहे हैं। एंड वट एवर यू आर स्पीकिंग बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक योर सेल्फ कन्विंस कि यू आर रियली अग्री विद दिस थॉट प्रोसेस और नॉट, आप उस थॉट उस आइडियोलॉजी से अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं को कन्विंस कर पाने में समझा पाने में कैपेबल हैं कि नहीं है। वंस यू बिकम कैपेबल अबाउट एनीथिंग बेटा, देन ऑटोमेटिकली विल क्रिएट अ इम्पैक्ट अमंग द ग्रुप्स बेटा, आप ग्रुप में अपने आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में कैपेबल हो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। दो रास्ते हैं आपके पास, एक हवा में तीर मारा जाए बैठ करके, या लेट्स इट बी रियल, एंड वंस यू बिकम रियल बेटा ना, थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो किसी को कॉपी नहीं करना है, तो बी यू व्हाट यू आर, आप वो रहो जो आप हो, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, बस आप वो बने रहिए जो आप एक्चुअल में हैं, एंड दैट विल चेंज एवरीथिंग, ये सब कुछ बदल देगा अगर इस तरह का थॉट प्रोसेस आपने कैरी किया तो। अच्छा,
So gently understand ki sir, this is not a hawa type of training procedure and somebody trying to make it very hawa, ye ajuba kar denge, ye kar denge. Koi kuch nahi karega. Sab tumko karna hai. Kisko karna hai bitta? लॉट ऑफ फोबिया अभी भी देश में देख रहा हूँ, जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं उनको लग रहा है कोई आएगा इंजेक्शन मारेगा और सब कमाल होने लगेगा. आपको लगता है ऐसा होगा? भाई इंट्रोडक्शन किसका है, उसको कौन तैयार करेगा? आप सुन सबको सकते हैं, समझ सबको सकते हैं, बट अल्टीमेट इंट्रोडक्शन किसका है? मेरा है सर. कल को आप जीडी में बैठेंगे, ये सच है कि आप टॉपिक 100 जगह से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बट उस टॉपिक पे, उस विषय पे नजरिया किसका होगा? आप किसी और का नजरिया बोलने के चक्कर में है क्या? और हर आदमी का नजरिया अपना होगा, आपका थोड़ी ना होगा, बट उस नजरिए में भी अपना नजरिया तलाशना, दैट इज योर ऑब्जेक्ट बेटा, एंड दैट्स कॉल्ड द रियल प्रिपरेशन, एंड यू नीड टू बी मैच्योर लाइक दिस. और आपको ऐसा मैच्योर होना पड़ेगा. और जब हम रियल टेस्टिंग में बैठते हैं ना बेटा, तो हम बहुत होश में बोलते हैं कुछ बातों को, बिकॉज आई एम टेस्टिंग यू, तो आई एम ट्राइंग टू एनालाइज एवरीथिंग ऑन द रियल एस्पेक्ट. और मैं रियल एस्पेक्ट पे चीज़ों को देखता हूँ, और उस पैरामीटर्स पे चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो सीधा माना करता हूँ बेटा ये रिजेक्शन स्टेज है तुम्हारा. और किस वजह से गड़बड़ी होगी ये सुन लो हिंदी में बैठ करके, लेट्स इम्प्रूव इट. मौका है, ये कोई टेस्टिंग सेंटर नहीं है, यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ हम देंगे बेटा. लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हर अपॉर्चुनिटी, हर फीडबैक को सीरियसली लीजिएगा, और उसके बाद जब अगला मौका मिले बेटा, तो उसको गड़बड़ मत होने दीजिएगा. ये आपकी एक मौलिक जिम्मेदारी के तौर पर रहेगा. जी, आप कहाँ से हैं बच्चा? आप भी प्रयागराज से हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया. तो पहली बार आपका है बच्चा? फर्स्ट टाइम है, बहुत बढ़िया. तो एक्स वाई बोथ है कि केवल एक्स है? अच्छा, ओनली वाई ग्रुप. चलिए, बहुत बढ़िया. कितना आपके एक्सपेक्टेशन है बच्चा? सबस 45. तो यार बहुत बड़ा टारगेट हो गया भाई. हाँ, अच्छा, राइट 43 है. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप कहाँ से हैं बच्चा? आप प्रतापगढ़ से हैं. तो पहली बार जा रहे हैं बच्चा? इट्स अ फर्स्ट टाइम. सबस तो एक्स वाई बोथ की केवल एक्स? चलिए, बहुत बढ़िया. स्कोर कितना जा रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है. जी, आप बिहार से हैं? बिहार में कहाँ से बच्चा आप? अच्छा, लखीसराय से. तो पहली बार आप जा रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया. अंग्रेजी वगैरह आप काम करना स्टार्ट कर दिए बच्चा? चलो, अच्छे से काम करो. अभी अभी टेस्ट बहुत हैं, अभी तुम वो लेबल देखे ना, अभी हम दिखाना शुरू करेंगे वो लेबल. आज केवल बोल बोल के महसूस करा रहे हैं उस चीज़ को आप लोगों को. कुछ समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्या समझ में आ रहा है बताइए. हाँ, एक्सपेक्टेशन हमारी है, और 90% रिजल्ट डायलॉग मारने से ना हमारे आएगा ना तुम्हारे आएगा. उसके लिए आपको अपग्रेड होके आना होगा, और ये जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आई एम द रिस्पॉन्सिबल सर फॉर एवरीथिंग. ठीक है ना? Once you just make a commitment like this, better then thing will change. चीज़ें बदल जाएंगी. ठीक भैया, चलो कोई. आप कहाँ से बच्चा? बिहार से हैं. भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? तो पहली बार आपका है कि दूसरी बार है? चलिए, बहुत बढ़िया. तो अभी कैसा लैंग्वेज वगैरह पर काम शुरू कर दिए हैं आप लोग? अच्छा, हॉस्टल में रहते हैं आप? थोड़ा ग्रुप बनाइए, आपस में डिस्कशन अंग्रेजी में करना स्टार्ट करिए. तो इंसान के अंदर झील होनी चाहिए लैंग्वेज सीखने का, तो वो चीज़ आपको बेहतर बना देती है. कुछ लोग आते हैं, जैसे बिहार से आए या यूपी से आए, किसी हरियाणा से बहुत सारे बच्चे, तो उनका ये होता है सर हमारा तो प्योर हिंदी ही है. अरे भाई, तो तुम पूरे राज्य को क्यों दोषी दे दे रहे हो? तुम्हारे राज्य में एक से एक सुरमा है. कहो तो हम गिनाना स्टार्ट करें. तो ऐसा कोई टैग तो नहीं लगा ना आपके राज्य में कि यहाँ हिंदी ही बोल देते हैं लोग? यहाँ बहुत अच्छा अंग्रेजी भी लोग बोलते हैं. आपके बिहार के, वी गॉट एवरी ईयर अराउंड 5 to 10 कैंडिडेट्स फॉर द कमीशन कैटेगरी. किसके लिए पाते हैं हम लोग? अधिकारी रैंक के लिए. आई डोंट बिलीव दैट वी टॉक अबाउट द कमीशन कैटेगरी एंट्री, तो विदाउट अ गुड कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल. एंड ऑल बिहारी पीपल हैव अ टू बिग इशूज बेटा विद देम, इज दैट RTI एंड MTI. रीजनल टंग इन्फ्लुएंस आपके अंदर बहुत होता है, और मदर टंग इन्फ्लुएंस हो जाता है. क्या हो जाता है? और केवल हिंदी भाषा में नहीं दिखाई देता है, बल्कि जब आप अंग्रेजी भी बात करते हैं तो उसमें भी वो चीज़ दिखाई देती है. समझ रहे हैं? बट दे वर्क ऑन दैट कॉन्सेप्ट टू. बट उन बच्चों ने उस चीज़ पे भी काम किया, एंड दे मेक देमसेल्फ गुड. तो जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट. इस पे काम करना स्टार्ट करिए. आप कहाँ से हैं बच्चा? बिहार में. कहाँ से भैया? मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से हैं. आप बच्चा कहाँ से हैं? अचारा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप. बिहार इज ऑलवेज एक्टिव विद ऑल प्रॉस्पेक्ट. यूपी वालों की संख्या कम है क्या भाई? हाँ, अच्छा, यूपी वाले कह रहे भी हमारा नंबर आएगा सर. हाँ, बिहार इज़ ऑलवेज रॉक स्टार. हाँ, बच्चे मेहनत बहुत करते हैं.
इनके यहाँ आपको सच्चाई बताया भी आप लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जब बच्चों को देखता हूँ उनके अंदर का जज्बा देखता हूँ, ये तो चलिए एयरमैन एंट्री ऑब्वियसली में ज़बरदस्त इनका कब्जा है ऑलरेडी, बट अब हर एंट्री में ये घुसपैठ की अच्छे लेवल पे, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ देख करके कि जो चीज़ वही कहते हैं ना, आदमी ये ना कहे कि परिस्थितियों की वजह से आदमी मार खाता है, तो ये बात गलत बात है। इंसान में काम करने का मेहनत करने का जज्बा हो तो आदमी कहीं से भी आता हो, इस बात से कोई मायने, परिस्थिति कैसी भी हो क्या सही होनी चाहिए इंसान की, मनस्थिति सही होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अगर उसके अंदर जज्बा है तो आप घर पे भी बैठ के सब पीट ले जाएंगे, उसके लिए यहाँ तक भी आने का ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन अब इसलिए आना पड़ता है सर कि ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, क्या है सर, और ग्रुप हमको बिहेवियर नहीं मिलेगा तो फिर उतना अच्छा एक्सपोजर हमारा नहीं हो पाए, बस इतना ज़रूरत पड़ जाता है, नहीं तो करने वाले करते हैं, हम इसका भी एग्जाम्पल देखें, बहुत सारे बच्चे आए हमारे पास, और ये बात हम कैसे जाने, क्योंकि वो चले गए एयरमैन के थ्रू, किसके थ्रू चले गए बच्चे, फिर उसके बाद वो वापस आए ACC एंट्री में, क्योंकि ऑन डेट आप एनरोलमेंट से 2 साल के बाद आप ACC के लिए अप्लाई कर सकते हैं कमीशन रैंक के लिए, तो बहुत बच्चों को हम जानते हैं जो कि चले गए और उसके बाद अधिकारी रैंक के लिए ट्राई करके चले और अधिकारी रैंक पर भी चले गए। अभी एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि एयरफोर्स का ही बच्चा भास्कर है, आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो आएगा, ACC एंट्री था हमारे यहाँ से, हाँ ठीक बच्चा, तो उसका इंटरव्यू हम फिर पब्लिक करने वाले हैं एक बार, तो अभी उसका प्रोसीजर चल रहा था इसलिए हमने उसको प्राइवेट कर दिया था, फिर पब्लिक हो जाएगा। तो बता रहा हूँ आपको बच्चे का जो है कि कमाल, एक दिन ड्यूटी नहीं किया है एज एयरमैन, एक दिन, थोड़ा सीओ सपोर्टिंग मिल गया जिस यूनिट में ट्रांसफर हुआ, और सपोर्टिंग होते हैं, जो टैलेंटेड लड़के होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है, अभी नालायक ही है तो कोई बात नहीं है, बट ऐसा है कि क्रम रुकता नहीं है, चलता रहता है, तो ये हमेशा समझ के चलिएगा कि यहाँ अंत नहीं है, शुरुआत है, क्या है अभी आगे सर बहुत जाना है, और अधिकारी रैंक तक क्या करना है, और इसमें कोई नुकसान नहीं, अगर ये भी रास्ता बना के आप जा रहे हैं तो क्या बुरा हो गया भाई, करिए ना, कोई और काम हो तो बताइए, नहीं सर जब फौज ठान लिया तो फौज ही रहेगी मन में, हाँ दैट इज़ ऑल अबाउट, चलिए बहुत बढ़िया। आप कहाँ से बच्चा? अच्छा पटना जिले से हैं आप, बहुत बढ़िया। आप बच्चा कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं, तो फर्स्ट टाइम बच्चा आपका कि सेकेंड टाइम है? अच्छा फर्स्ट टाइम है सर, और आपका भी फर्स्ट टाइम है, चलिए बहुत बढ़िया। आप कहाँ से बच्चा? बिहार में कहाँ से? अच्छा कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप कहाँ बच्चा? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। तुम नहीं बैठे इनके बगल में? हाँ डिस्ट्रिक्ट में भी दूर होंगे ये, क्या होंगे, जिस गांव को ये नहीं जानते होंगे, ऐसा भी हो जाता है कभी कहीं, चलिए बहुत बढ़िया। आप बच्चा कहाँ से हैं? बक्सर बिहार से। आप भैया? पटना डिस्ट्रिक्ट, पटना बिहार, वैशाली बिहार, सारा डिस्ट्रिक्ट हमको याद हो गया, 40 का 40। हाँ कितना डिस्ट्रिक्ट है बिहार में? 38। तो 38 का 38 याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बिहार, आई रिमेम्बर द टाइम कि जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ तो आई गॉट प्रपोजल, मुझे इंडिया के 20 शहरों में जाने का अप्रूवल मिला था, और मैं 20 शहर जाने भी वाला था, तो 20 शहर में मेरे शो थे, मतलब सेमिनार्स लगे हुए थे, तो ये पूरा इवेंट कर रहा था हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, तो उन्होंने एज ए होस्ट, मतलब एज ए मोटिवेटर हमें अलाइन किया था, और हर राजधानी में जाने का मौका मिल रहा था, ऑडिटोरियम वगैरह बुक कर रहे थे, बच्चे पूरे राज्य से उसमें आ रहे थे, लेकिन पूरा प्रोग्राम ही रुक गया, क्या हुआ, तो हमको मौका मिलता उधर बिहार आने का, लेकिन मौका नहीं मिला। वैसे बिहार में कई जगह हमारी घूमी हुई है, जैसे गोपालगंज हुआ, सिवान डिस्ट्रिक्ट हुआ, सिवान से पहले आता है आपका मैरवा, क्या आता है, जहाँ से आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, फिर छपरा हो गया, फिर उसके बाद जो है मौका मिला पटना भी पूरा घूमने का, पटना का तो एक एक गली घुमा हुआ है, हर जगह देखा हुआ है। एक्चुअली हमारे साथ जो हमारे क्लोजेस्ट मित्र हैं जो प्रकाश गुप्ता जी हैं, वो खुद सिवान डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ये सब चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है लाइफ में। ये माहौल हमने पटना में भी देखा, तो वी वेरी ऑनेस्ट उसे कि वहाँ भी हमने ये माहौल थोड़ा सा देखा है कि वहाँ बच्चे बिल्कुल जुटे रहते हैं, जिसको कहते हैं कि दिन रात एक, इस कोचिंग से निकल रहे हैं उसमें से निकल रहे हैं उसमें से निकल रहे हैं उसमें, यहाँ से निकले इतना पंपलेट, वहाँ से निकले इतना पंपलेट, हमको कहा भाई इतना तुम प्रचार ले, कहा यही तो रफ कॉपी काम आएगा, इसका उल्टा यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये कलेक्शन है रोज का, क्या है ये मिलता है और हम लोग इसको अपने हिसाब से क्या करते हैं इस्तेमाल, अच्छा लगता है, इट्स ऑलवेज गुड। तो ये शहर की खूबसूरती है, और सबसे बड़ी बात कि माँ सरस्वती की जगह है ये, एंड फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एवरी कल्चर एवरी रिलीजन हैव ऑलवेज ऑस्पेक्ट, गुड ऑस्पेक्ट है। संगम एक ऐसी जगह है जो एक अलग एहसास देता है, माना लोग समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, माना लोग बड़े बड़े बीचेस पे घूमने जाते हैं,
बट एक बार संगम में घूम के देखें, एक अलग एहसास आता है, अलग पावन, अलग पवित्रता, अलग मन का क्या मिलता है, एक शुद्धिकरण मिलता है. तो समथिंग रियली ग्रेट. मैं इस बात में नहीं कह रहा हूँ मैं इलाहाबाद शहर का हूँ, मैं तो घूमा ऑलमोस्ट सारा शहर हूँ, बट ये एहसास यहाँ पे आने पे क्या होता है, मिलता है. और जब भी जाओ एक नयापन होता है. क्या होता है? नयापन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गंगा यमुना के नज़दीक नहीं जाएंगे. क्या नहीं जाएंगे? दूर से प्रणाम करिए. क्या करिए? हाँ, आगे बढ़ते हैं जी. कहाँ से बच्चा? राजस्थान से. राजस्थान में कहाँ से बच्चा आप? हाँ, थोड़ा तेज बोलिएगा. चुरू से हैं आप? अच्छा, कहाँ इतना दबे दबे हो? राजस्थान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा. तुम काम का टेंशन ले रहे हो. हाँ, राजस्थान के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को फीलिंग दो. अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ों से ज़िंदगी में आप रूबरू नहीं हुए. जैसे मैं आपको बताऊं, अभी तक आपने हमारी फ़ौज को केवल फिल्मों में देखा है. क्या देखा है बेटा? रियल कभी नज़दीक जाएं आप तो एक अलग खूबसूरती है. और वो खूबसूरती असल में राजस्थान में देखने को मिलती है, पंजाब के बॉर्डर्स पर देखने को मिलती है. और तब एहसास होता है कि यार ये अलग है कुछ. ये क्या है? वी कैन अर्न एनीथिंग. बहुत इंसान पैसे कमा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, मैं मानता हूँ लाइफ में. बट कुछ ऐसे एहसास हैं ना ज़िंदगी के जो किसी पैसे से बहुत ऊपर हैं यार. वो एहसास होता होगा एयरफोर्स वालों को जब उस राफेल कॉमिक को, हम तो सुनते ही रह जाएंगे ना, सिविलियंस कभी जा पाएंगे क्या उसके नज़दीक? वो जीते हैं, जो नेवी में जाते होंगे. जस्ट इमेजिन देयर लाइफ, कल्चर, एटीट्यूड बियॉन्ड भाई. उन शिप्स पे जाने का मौका मिलना, समुद्र में बीचों बीच होना, वो सब एहसास ही अलग है. मतलब मैं इनको शब्दों में नहीं बयां कर सकता. जो भगवान करे आपको जल्दी मौका मिले उसके नज़दीक जाने का, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है. हाँ सौरभ सर, चलो मान लो रास्ता बनाए हैं. हाँ, तुम जैसे बहुत अच्छे अच्छे कैडेट्स वहाँ पे रहे, एकेडमी में रहे, तो उनके स्पेशल इन्विटेशन पे जाने का मौका मिलता है. ऑफिसर्स हैं, उनसे संपर्क है, तो जाने का मौका मिलता रहता है मुझे बीच बीच में. लेकिन कभी कभी जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ की फ़ोटो कभी अपडेट नहीं करता हूँ. इट्स नॉट अलाउड. वो बिल्कुल अलाउड नहीं है. तो एक अलग एहसास आ जाता है. ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी जीने के आयाम बदल जाते हैं. ये लगता है कुछ तो अलग. पैसे तो सभी कमा ले रहे हैं. पैसा तो जो ठेला लगाया ना, वो भी डेली कमा ही ले रहा है भाई. ऐसा नहीं कि मर रहा है. लेकिन ज़िंदगी में उसने क्या जिया? ठेला. क्या पैदा हुआ तो ठेला लगाने के लिए पैदा हुआ था क्या कोई इंसान? नहीं. एवरीडे न्यू चैलेंज, न्यू स्पार्क, तैयार होना, डिसिप्लिन होना, सुबह शाम तक एकदम स्मार्टनेस पूरे जेस्चर में रहना, इवेंट्स होना, लाइफस्टाइल होना, प्लान होना, बच्चे बिल्कुल एयरफोर्स बन गए, बाल बच्चे सब एकदम सब सेटल्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है सर. एजुकेशन से लेके, मेडिकल से लेके, पूरी फैमिली क्या हो गई हमारी? अश्योर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट. तो समटाइम एवरीथिंग इज नॉट मनी, समथिंग प्राइड एंड ऑनर. और वो बहुत बड़ी चीज़ है और वाकई में मिलती है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के. अपने आप चीज़ें खड़ी हो जाती है. चलिए, आप कहाँ से बच्चा? जी जी, आप इस हाँ बिहार से हैं आप जी? हाँ, जालौन. यूपी वाला कहीं और वाला? अच्छा, यूपी वाला जालौन. ये जालौन स्टाइल में है भी पूरी तरह से. हाँ चलो बढ़िया है. तो बाली वाली परमानेंट है कि कभी कभी? ये बाली परमानेंट है? रिलीजियस पॉइंट है भी उसे? ऐसे ही हटा लेना, नहीं तुम्हारे बाली उचार ही देंगे. समझ रहे हो ना? स्टाइल करना, बहरहाल स्टाइल छोड़ दोगे. फौज की स्टाइल अपने आप में स्टाइल है, क्या है? उसके बाद फिर किसी आली बाली की ज़रूरत, आप खुद ही आली ताली बन के घूमने लगते हैं. हाँ तो वो अलग पैशन हो जाता है जी. आप कहाँ से? फ्रॉम महाराष्ट्र. वेयर इन मुंबई? मुंबई से कहाँ से बच्चा? हमारा लैंग्वेज समझ में आता है आपको? पूरा क्लियर है ना? हम सारा भाषा बोलते रहते हैं, मिक्स कर देते हैं कभी कभी सारा. इनको कोई भी चीज़ अगर सही है तो बरोबर बोलना पड़ता है. क्या बोलना पड़ता है? तभी ये समझते नहीं, समझते ही नहीं हर चीज़. हाँ खाना वाना ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है. कौन से मेस में हो तुम लोग? सब सही कर दिया है आदमी. अच्छा तुम्हारा मेस वाला मराठी है क्या? अच्छा नहीं, एक जगह मराठी मेस वाला भी है हमारे यहाँ. उसके यहाँ ज़्यादातर बैंगलोर कर्नाटका के लोग रहते हैं. कहाँ के रहते हैं? उसने सबको सेट कर रखा है. हमने कहा भाई कर्नाटका कैसे सेट हो गया महाराष्ट्र में? बोला सर पहले एरिया हमारे में ही था, ये बाद में अलग हो गया. क्या हो गया? ये जो कर्नाटका वाला एरिया है, ये आपका बेलगांव, कर्नाटका बेलगांव इज द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र.
वो कौन सी जगह उनको दी गई, महाराष्ट्र कर्नाटका ने हमको महाराष्ट्र को दी, तो इन्होंने ये जगह उनको क्या की। अब भाई देखो इतना डिटेल नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता है मेरे को जो बताया, तो उसके हिसाब से मैं जान पा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहाँ से बच्चा? बिहार से हैं आप? आप जी बच्चा बलिया से? चलो भाई बलिया यूपी दिखा तो यार, मैं तो यूपी में ही बैठ कर लग रहा है यूपी के बाहर में आया हूँ। पढ़ लिख नहीं रहे क्या यूपी वाले? अब पढ़ रहे हैं। अच्छा मतलब, अच्छा ऑलरेडी यूनियन में बैठे हो तुम लोग? ऑलरेडी हम डिवाइडेड हैं सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा भारत एक है। जब फौज में जाओगे तो बड़ी खुशी मिलेगी तुम्हें। इन अ सिंगल यूनिट विल गेट द पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट, तो बड़ा मज़ा भी आता है इसमें। सबका लैंग्वेज अलग अलग होता है। अब हर समय ऐसा थोड़ी ना मशीन की तरह पेरते ही रहता आदमी, कॉमेडी भी होती है, एक लाइफ भी क्या है होती है। तो फिर तो जब अलग अलग लोग रहते हैं तो अलग अलग मज़ा। तभी आप लोग उसे खिंचाई तो नहीं करते हैं, किया मत करिए, गंदी बात होती है जी। आप कहाँ से बच्चा? पटना से हैं आप बच्चा? बिहार से आप भैया? हाँ बिहार से हैं। छपरा से? एक चीज़ इससे पता चलती है मुझे, अब फीडबैक मेरे पास आ गया, हमने इनविटेशन पूरी यूपी को भी दिया है। किसको दिया है? लेकिन यूपी वाले ज़्यादा समझदार हैं। क्या है, अभी जब लास्ट प्रेशर पड़ेगा तो सबसे पहले उठ के भागेंगे, ठीक है ना? और फिर दबाव उनके ऊपर ज़बरदस्त रहता, सर अब कुछ करा दो। हाँ सर क्या करा देंगे, कोई जादू है क्या, रॉकेट साइंस घुमा दिया? ऐसा नहीं होता जी। आप कहाँ से बच्चा? बिहार से हैं आप जी? राजस्थान से हो? राजस्थान में कहाँ से हो आप? भरतपुर से? भरतपुर चुरू से बहुत दूर है क्या, इसीलिए लिंक नहीं बन पाया जी। आप कहाँ से? बलिया से हैं? बलिया वाले जिंदा हम के बलिया गाजीपुरी गायब हो गया हर देश से, मतलब हदाल की हो। हमारे यहाँ दो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी। बहरहाल अभी तो कॉन्सेप्ट बदला है, बहरहाल पिछले एक डेढ़ सालों में चीज़ें बहुत बदली, नहीं तो हमारे यहाँ गाजीपुर और बलिया का कब्जा, क्या कहेंगे आप, 100% कब्जा सर, हम ही हम हैं। क्या हैं, बाकी सब पानी कम है, मतलब ऐसा लेबल इन लोगों ने बना रखा था। तो बट अब वो चीज़ थोड़ा सा मैंने देखा, इस समय गिरावट आई है इन चीज़ों को लेकर के, लग रहा है ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं बलिया वाले। आने तो बताता हूँ सबको जी। मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? चलिए आप जी? आरा बिहार से? आप भैया? पटना बिहार? छपरा बिहार जी? हाँ तुम्हारा मसला सुलझ गया बच्चा? चलिए बढ़िया, हड़बड़ाए मत करो इतनी जल्दी, जो हड़बड़ा गया वो गड़बड़ा गया। हाँ तुमको इतना रेस काहे लगा है, तो आप क्या अभी घर जाके क्या करोगे? जी जी एक्सटेंड करा सकते हैं आप उसको, अब मंथली वाला ले लीजिएगा प्लान, कोई दिक्कत नहीं, रहिए अभी कहीं जाइए मत। क्या करेंगे जाके? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप कहीं मत जाइए, यहीं रहिए। क्या करना है, एक महीना रहो मस्त होकर के, पढ़ो, तुमको कोई रोक रहा है कुछ कह रहा हो तो बताओ उसके लिए। अब जितना रहोगे उतना फ़ायदा होगा, नुकसान थोड़ी होगा। अब सब आएंगे धीरे धीरे, टेस्टिंग होएगी, उसमें जाओगे तभी तो जानोगे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब आते ही टेस्ट भी नहीं कर सकते ना भाई, टेस्ट के लिए भी थोड़ा टाइम क्या होता है लगता है जी। आप कहाँ? फतेहपुर? प्रयागराज? जानाबाद? बिहार? आप भी उधर से हैं भाई? सुल्तानपुर? चलो एक आठ, तो हम तो अगल बगल डिस्ट्रिक्ट नहीं देख रहे हैं, इनसे एयरफोर्स नहीं निकल रहा है क्या? ये कॉन्फिडेंस है बिहार का, क्या है यूपी वालों का कॉन्फिडेंस गिर गया है अब? हाँ नहीं गिरा है? नहीं, हालात तो भाई यही दिख रहा है, बिहार वाले परचम लहरा रहे, रिजल्ट भी पूरा मार ले जाएंगे क्या इस बार? तो उसमें कहीं लिखा नहीं कि बिहार के लिए इतना सीट है, लिखा है क्या? जो बहादुर होगा ले जाएगा मार्केट, सारा मार्केट। हाँ लास्ट ईयर का एनालिसिस बताऊँ क्या तुम लोग निकाल के? छोड़ो अभी उसके चक्कर में नहीं जाते। गाजीपुर से हैं? चलिए गाजीपुर बोनी। हाँ आजमगढ़? सारण? बिहार? बिहार जीत गया भाई, बिहार के लिए ताली हो जाए। हाँ बिहार वाले रॉक स्टार हैं भाई हमारे हिसाब से, इनके लिए ताली करो। हाँ ऐसा नहीं है, यूपी वाले भी जागते हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल, जर्नी आप लोगों की प्रॉपर ढंग से स्टार्ट हो गई है और एक तारीख से आगाज शुरू होगा, और एक एक शेड्यूल जो होगा आपको टाइम टाइम पर मिलता रहेगा, कब कौन कौन आपके क्लास में आ रहे हैं वो टाइमली आते रहेंगे। अल्टीमेट दो उद्देश्य है बेटा, डेली SRT की एक्सरसाइज करते रहना है, टाइम मैनेजमेंट। SRT में जरूरी क्या है कि नियत टाइम में आप चीज़ों को कर ले जाएं, ठीक है ना। सेकंड, GD के लिए बेटा दो चीज़ें अहम हैं, आप बस इतना ख्याल रखिएगा, खुद की अपनी स्पीकिंग वैल्यूज़ पे काम करिए अच्छे ढंग से, मतलब कम्युनिकेशन नीड टू बी रॉक स्टार, और आपको और कोई नहीं बुलवा सकता, आपको आप ही बुलवा सकते हैं। और है एक डेढ़ महीने टाइम, अगर जाना है तो कम्युनिकेशन क्लासेस भी सुबह में चलती हैं, बिल्कुल जुड़िए, इसमें कोई शर्म का बात नहीं है, इसके फ़ायदे मिलेंगे। ये आज तक का बात नहीं है, ये लाइफ तक का बात है कि आप जितना भी बढ़ेंगे, मॉर्निंग 7 से 8:30 चलता है, 8:30 से 10 चलता है,
वो स्पेशल बैचेज ही होती है कम्युनिकेशन की, ठीक है ना। बट दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट फ्रॉम योर साइड एंड अब हम जब टेस्ट में बैठे तो फीडबैक अच्छा चाहिए मुझे, क्या चाहिए, और एक्चुअल रिजल्ट्स बताएंगे आपको। फॉर्मेट नियम से तो मन करता है तीनों स्टेप करने का। इस संडे प्लान किया जाए? यस सर। ठीक है, इस संडे पे प्लान करता हूँ मैं, तैयार रहना। रेस प्रॉपर होगी, पुशअप्स, स्क्वाट सब टेस्ट होंगे, फिर वहाँ मत चिल्लाना सर हमको मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, नियम से मौका मिलेगा उसमें। फिर अगला स्टेप आपका पूरा पुशअप स्क्वाट सेटअप्स हो जाएंगे, फिर बकायदे क्लास में SRT का टेस्ट होएगा, तब तक आपको टाइम मिलेगा, कॉपी चेक की जाएंगी, और कॉपी चेक होने के बाद जैसे रिजल्ट आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद उतने ही लोग मौका पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचने का, GD में, और उसका भी फाइनल रिजल्ट बताएंगे, इसमें भी कितने लोग क्या हो रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं। करते हैं एक टेस्ट। यस सर। चलिए फिर संडे का। हम चाहते हैं वहाँ टेस्ट में जाने से पहले 4-5 बार टेस्ट दे दो, एक्चुअल सच्चाई आपको आपकी क्या हो। और अगर बात बताओ 4-5 बार हम प्रोसीजर से तुम्हारा टेस्टिंग कर लिए और हर पैरामीटर निकाल लिए तो कोई डाउट रहेगा क्या? कोई डाउट नहीं रहेगा, 100% श्योर शॉट। और हम लोग जिसको जिसको क्लियर करके बोले लिस्ट में अपने कि ये श्योर शॉट है, उसमें से एक कैंडिडेट गड़बड़ नहीं हुआ आज तक, ठीक है बच्चा। बट ये है कि उसके लिए आपको हर स्टेप पे क्या करना होगा भैया, बढ़िया करना होगा, ठीक है बच्चा। शुभम सर, हाँ बच्चा आपके प्रश्न ले रहा हूँ। शुभम सर हैं क्या? चेस्ट नंबर वगैरह कलेक्ट कर ले। जी बच्चा, क्या बेटा? नहीं, DFT नहीं, इस बार डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। डायनेमिक फैक्टर टेस्ट जब हुआ था ना बेटा तो बड़ा कांड हुआ था, वो पेपर लीक का इशू था। किसका इशू था? उसके बाद फिर पेपर वो रिकंडक्ट नहीं हुआ था, तो इस वजह से उनको स्कैनिंग करने के लिए DFT क्या करना पड़ा, मैंडेटरी करना पड़ा। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए इस बार एयरफोर्स सेंटर पे एयरफोर्स के ऑफिसर्स खुद आए। क्यों आए? इसीलिए कि सब स्मूथली क्या हो जाए। बट इतना होने के बावजूद एक कांड हो ही गया। देखिए उसका कब करने वाले, डेट वगैरह आई बच्चों की उसकी? अभी नहीं, कराएंगे, जल्दी कराएंगे, तो 4 दिन में हो सकता है उनका प्लान भेज दें लोग, उसको करा लेंगे लोग प्रॉपर तरीके से। हाँ, उसके वजह से रिजल्ट, तभी तो मैंने कहा डिले होगा, नहीं 7-8 तारीख को आ जाता, उसी वजह से डिले हो गया। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपके दिमाग में? हाँ, चलिए चलिए।